बाद बीजेपी की कारपेट बॉम्बिंग का आगाज। नड्डा, योगी, शिवराज समेत 15 बड़े नेता 40 से ज्यादा करेंगे रैली। डॉक्टर आनंद बोस होंगे बंगाल के नए राज्यपाल। केरल मुख्यमंत्री के सचिव रहे। मोदी सरकार की सस्ती हाउसिंग स्कीम इन्हीं की देन। राजीव गांधी हत्याकांड केस में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा केंद्र। रिहाई के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर। कहा हमारा पक्ष नहीं सुना गया। दिल्ली सरकार के थिंक टैंक DDCD के उपाध्यक्ष जैस्मीन शाह बर्खास्त। दफ्तर में लगा ताला। पद के राजनीतिक दुरुपयोग का आरोप। उत्तर कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल दागने के बाद हरकत में आया अमेरिका। अपने सभी सैनिकों को जारी किया निर्देश। श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। हरदोई के ARTO कार्यालय में खुलेआम अवैध वसूली चल रही है। जानकारी के मुताबिक प्राइवेट कर्मचारी सरकारी अफसरों की कुर्सियों पर बैठकर काम कर रहे हैं और प्राइवेट दलालों के माध्यम से अनफिट वाहनों को पैसे लेकर फिटनेस में पास किया जा रहा है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हर्षराज जुड़ेंगे। हर्षराज, ARTO कार्यालय में वसूली का काम धड़ल्ले से चल रहा है, क्या कुछ पूरा मामला है? ARTO कार्यालय हरदोई में लगातार अवैध वसूली के नए नए कारनामे सामने आते हैं। सरकारी कुर्सियों पर बैठकर सरकारी कार्य कर रहे प्राइवेट कर्मचारी, जिसका वीडियो आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। प्राइवेट दलालों के माध्यम से लिया जा रहा है पैसा। अनफिट वाहनों को पैसा लेकर फिटनेस में किया जा रहा है पास। सरकार ने जिन लाइसेंसों को बनाने के लिए बाहर आदेश दिया, उनको आज भी ARTO संजीव कुमार सिंह और आई सुशील कुमार यादव अपने प्राइवेट लड़कों से पैसा लेकर आज भी अंदर पास कराते हैं, जिसका वीडियो किसी ने बनाया सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया है। जी हर्षराज, वीडियो भी वायरल हो रहा है, तो अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है इस पूरे मामले पर? यहाँ पे आए दिन लगातार जो है यहाँ के जो दलाल हैं अंदर बैठ के काम करते हैं। पिछली बार भी ये मामला सुर्खियों में आया था, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। यहाँ तक कि जो है इनसे ARTO से बात की गई तो बताते हैं कि कार्रवाई की जाएगी, लेकिन वही चीज फिर नए धर्रे पे वही काम होने लगता है। जी धन्यवाद हर्षराज तमाम जानकारियों के लिए। हरदोई में कोतवाली शहर इलाके के आजाद नगर मोहल्ले सट्टा कारोबारियों ने एक युवक को जमकर पीटा है। जानकारी के मुताबिक युवक ने मटका सट्टा की पर्ची इकट्ठा करने से इनकार किया था। इसी बात को लेकर सट्टेबाजों ने युवक की पिटाई की है। युवक ने पूरे मामले की शिकायत कोतवाली पुलिस से की है और गैंगस्टर राजू गुप्ता और उसके गैंग के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कल दिनांक 16/11/2022 को प्रियांशु नाम का एक लड़का तहरीर दिया है, जिसमें उसने आरोप लगाया है कि मैं जा रहा था और पंकज त्रिवेदी नाम के एक लड़के ने मेरा कॉलर पकड़ा और मुझसे मारपीट की। उसके साथ उसके साथी भी थे और उससे तहरीर लेकर के उसका कहना ये भी था कि उसने कहा कि मेरे साथ काम करो। अब आगे की तहरीर लेकर के कानूनी कार्रवाई की जा रही है। सर, किस तरह का काम करने के लिए दबाव बना? अब वो तो तहरीर लेकर के जांच का विषय है, जांच करने के बाद पता लगाया जाएगा। अंबेडकर नगर में जलालपुर तहसील क्षेत्र के वाजिदपुर गांव में बीते दिनों हुई घटना के संबंध में अंबेडकर नगर पहुंचे आजाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जिला कारागार में बंद महिलाओं से मिलने पहुंचे। इस दौरान उनके साथ काफी तादाद में कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं उनकी सुरक्षा में जिला कारागार के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। चार मुकदमे लगाए गए, क्योंकि एक मुकदमा अगर लगा होता तो वो बाहर आ जाती, उनको फ्रैक्चर है, पुलिस ने उनके साथ मारपीट की। और अगर कोई भी अपराध करता, चाहे पुलिस हो या आम आदमी, सबके लिए कानून है, उन सभी पुलिस कर्मियों पे मुकदमे दर्ज होने चाहिए थे। मैं उनकी पीड़ा सुनता और आके आप लोगों को बताता और पूरी देश और दुनिया के सामने रखता किस तरह का अन्याय जो है अम्बेडकर नगर में हुआ, उसको छिपाने के लिए शासन प्रशासन ने मिलकर
नियम अनुसार जो कार्य मेरी मुलाकात का था उसको उसमें बाधा उत्पन्न की और मुझे रोक दिया और उनके पास औरैया जिले के फफूंद थाने की कचहरी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वकीलों और अभियुक्तों के बीच मारपीट हो गई। मारपीट के दौरान एक अभियुक्त बुरी तरह से घायल हो गया। वहीं इस पूरे मामले की जानकारी लगते ही पुलिस बल भी मौके पर पहुंच गया और डिप्टी एसपी से मोर्चे को संभालते हुए घायल हुए अभियुक्त को मेडिकल के लिए अस्पताल में पहुंचाया। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर कोई भी अधिवक्ता कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं। थाना फफूंद में एक मुकदमा जो है किसी वकील के साथ में दो लोगों द्वारा मारपीट वगैरह की गई, उसमें उनकी गिरफ्तारी के लेकर आज माननीय न्यायालय रिमांड जो है इसमें कुछ वकीलों द्वारा जो है वो अलग किया गया, बाकी किसी के साथ कोई मारपीट नहीं की गई। इसमें बाकी कानून व्यवस्था के लिए हम लोग लगे थे और कैसी सब इस समय नॉर्मल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, हम लोग हैं मौके। हरदोई में पाली थाना क्षेत्र में भरखनी नहर मार्ग पर सामने से आ रही गन्ने से भरी एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को टक्कर मार दी और तीन बाइक सवारों में से दो को कुचलते हुए निकल गई। इस दुर्घटना में दो युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई जबकि तीसरे घायल का पाली पीएचसी में इलाज चल रहा है। इसके साथ ही परिजनों को दुर्घटना की जानकारी होते ही कोहराम मच गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। नहीं जा रहा था। कहाँ से? बाइक से। अच्छा, और किसे टक्कर हुई तुम्हारी? मेरा भाई है ना, इन्होंने आंख बीच के चला रहे थे बाइक। 98। अच्छा। 93। कल नाम है इसका। तुम कहाँ के रहने वाले हो? अच्छा, तुम्हारा क्या नाम? विशाल। और भाई का क्या नाम? मेरा भाई है। डेड बॉडी ऐसे नहीं रहेगी? भाई नहीं है कोई। भाई कोई नहीं है तो गाड़ी कौन चला रहा था? बुलंदशहर में डीएम चंद प्रकाश सिंह ने एक बार फिर किसानों से पराली नहीं जलाने की अपील की है। बता दें, डीएम ने किसान भाइयों से पराली धान गन्ने की पत्ती एवं फसलों के अवशेष के लिए मना करते हुए कहा कि इसे जलाने से प्रदूषण बढ़ रहा है। इसके साथ डीएम ने कहा कि आप सब पराली और अन्य अवशेषों को गड्ढा खोदकर दबाने और गौशालाओं में दान करने का काम करें। वहीं डीएम ने यह भी कहा कि अगर कोई भी पराली जलाते हुए पाया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। सम्मानित किसान भाइयों, मैं आपका जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि गन्ना काटने के बाद उसकी जो पत्तियां हैं खेतों में कतई ना जलाएं, धान की पराली खेतों में कतई ना जलाएं। यदि गन्ने की पत्तियां हैं उनको इकट्ठा कर लीजिए और गड्ढा खोद करके उसमें डाल दीजिए, खाद बन जाएगी। या इकट्ठा कर लीजिए, हम उसको उठवा लेंगे। किसी भी दशा में गन्ने की पराली या धान की पराली या किसी अन्य प्रकार की पराली फसल अवशेष खेतों में ना जलाएं। लगातार सेटेलाइट इस पर निगरानी कर रहा है और आपके द्वारा जलाई गई फसलों जो जलाई जाती हैं खेत में फसलें उनको कैप्चर कर लेता है और शाम को हमारे पास आ जाता है। इससे आपके ऊपर अर्थदंड लग रहा है, कुछ लोगों पे मुकदमे भी दर्ज कराए जाएंगे अगर बार बार रिपीट करेंगे। रामपुर में होने वाले उपचुनाव में सपा नेता आजम खां का वोट नहीं डाल सकेंगे। जानकारी के मुताबिक बीजेपी प्रत्याशी ने निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी पत्र लिखकर गुजारिश की थी, जिसके बाद निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने आजम खान को ध्यान में रखते हुए इनका हमने आरोर 37 विधानसभा रामपुर को आज एक शिकायत की है, जिसमें हमने मांग की है कि आरपी एक्ट की धारा 16 धारा 16 के तहत ये नियम है कि अगर किसी मुलजिम को सज़ा हो जाती है तो उसका वोट देने का अधिकार स्वतः ख़त्म हो जाता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए इनका जो वोट देने का जो मतदाता सूची में जो नाम है उसको वहाँ से काटा जाए और वोट देने का अधिकार स्वतः।
गोरखपुर में तिवारीपुर थाना क्षेत्र के न्यू गाजी रोजा कॉलोनी में एक मकान में दिए से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने घर में रखे सामान को अपने आगोश में ले लिया। वहीं घर में मौजूद लोगों ने आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग की लपटें और धुआं इतना था कि लोग बाहर निकल आए। इसकी सूचना अग्निशमन विभाग को दी गई। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। ये उचवा कहलाता है, गाजी रोजे वाली कॉलोनी। कैसे घर में आपके आग लगी? चिराग की वजह से लगी। हमारी सासू जी चिराग जलाई थी, उससे जो है पकड़ लिया। तखत होने की वजह से आग जो है तेज हो गई और नीचे मैट जलने लगी, जिसकी वजह से फिर मतलब सारे लोग चिल्लाने लगे, आप लोग बाहर आइए बाहर आइए। ये पौने सात अब तो वो जाने के बाद ही पता चलेगा ना। फिलहाल मैट और तखत जलते हमने देखे। अच्छा। अब पानी डाल रहे थे तो पूरा मतलब धुआं धुआं अंधेरा हो गया, तो कुछ दिखे ही ना। फरुखाबाद में नवाबगंज मार्ग पर संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगने से डीसीएम आग का गोला बन गई। जानकारी के मुताबिक डीसीएम हरिद्वार रुड़की से कानपुर जा रही थी और शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, जिसके बाद चालक ने डीसीएम से कूदकर जान बचाई। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी और सूचना के लगभग आधे घंटे बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। रहते हैं आप पहले? अच्छा, कहाँ जा रहा है डीसीएम लेके आप? ये जा रहे कानपुर। अरे इसमें क्या लगा था? इसमें बाहर जाना, उसे लेके कहाँ से आ रहे थे? अच्छा, कैसे क्या आग लगी ये? जी बारिंग शॉट होने रुड़की से। हरिद्वार हरिद्वार उत्तराखंड से लाए थे। अच्छा, उत्तराखंड से अब कहाँ लेके जा रहे? कानपुर में। रायबरेली के गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र में पोरई में दो पक्षों में जमकर खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे आनन फानन में ग्रामीणों ने युवक को अस्पताल पहुंचाया, जहां पर सीएचसी अधीक्षक ने हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। इसके साथ मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।